हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी अच्छी समस्याओं का समाधान लेकर के, जिससे कि आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे घर में क्या होता है कि फ्रिज और एसी सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करती है, तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं और कम से कम बिजली यूज करें जिससे हमारा बिल भी कम आए, तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये पहला टिप जो है हमारा वो है ये कद्दूकस को लेकर के, जो हमारी चिप्स काटने की मशीन या कद्दूकस करने वाली मशीन आती है उसे लेकर के। तो कुछ समय के बाद फ्रेंड्स क्या होता है ना कि इसकी जो धार होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिससे अच्छे से नहीं तो इस पर कुछ कट पाता है, नहीं घिस पाता है, जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जब ये ख़राब हो जाता है या फिर इससे वर्क नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसे या तो छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, या फिर इसे कहीं फेंक देते हैं। तो दोनों में से हमें कुछ नहीं करना, हमें इसे वापस से यूज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस तरह का आप एक ले लें कप चीनी मिट्टी का, तो इजिली सभी के घर में ये मिल ही जाएगा। और इसके बाद आप क्या करें, इसका जो उल्टा है करें और ये पेंदी साइड है उससे आप इस तरह से इस पे रगड़ दें। तो इससे क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से ना आपको इस तरह से कद्दूकस के जैसे करते हैं उसी तरह से कप को इस पे अपर और डाउन करते रहेंगे। लगभग हम यहाँ पे इस प्रोसेस को 3 से 4 मिनट तक करेंगे। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट तक करने पे देखेंगे आपकी इसकी धार बहुत अच्छे से तेज हो जाती है और ये इजिली वर्क करने लगता है जैसे पहले वर्क करता है, सेम वैसे ही, और बगैर खर्च बगैर मेहनत के हमारा ये जो है रिकवर हो जाता है और अच्छे से ये काम करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, मैं आलू को कद्दूकस करके दिखा रही हूँ। अभी आप देखिएगा कितने अच्छे से ये देखिए कद्दूकस भी हो रहा है और ये देखिए कितने बारीक और लंबे लंबे इसके लच्चे भी निकल के आए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे घर पर सही कर सकते हैं बगैर खर्च बगैर मेहनत के। और ये जो आलू है या फिर आलू के साथ आप कुछ भी इस तरह से करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से क्रश हो जाएगा, सॉरी कद्दूकस हो जाएगा। तो बहुत काम की टिप है, आप इसे याद कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे। टिप नंबर 2 फ्रेंड्स हमारा है पकौड़ों को लेकर के। जब हम कभी भी पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करता है, जिससे कि पकौड़े खाने में तो अच्छे लगते हैं पर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उल्टा प्रभाव डालते हैं। तो जिसके लिए हम क्या करें कि हमारे जो पकौड़े हैं वो ऑयल कम सोक करें, तो सबसे पहले क्या करना है कि जब हम उन्हें ऑयल को गर्म करने के लिए रखना है पकौड़ों के लिए, उसमें आप क्या करें कि आधा नींबू का रस निचोड़ दें। उससे फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि जो आपके पकोड़े हैं वो ऑयल भी सोक कम करेंगी और आपके पकोड़ों का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अमेजिंग सा आएगा। तो इस तरह से आप फ्लेवर को भी बढ़ा सकते हैं और ऑयल भी कम सोक करेगा। तो ये बहुत खास टिप है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स छोटी छोटी जानकारियाँ जो हमें याद में रखनी चाहिए जो कि हमारी काफ़ी फायदेमंद होती हैं। तो टिप नंबर 3 हम देख लेते हैं यहाँ पर सब्जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी हमसे मिर्च या फिर नमक ज़्यादा हो जाता है तो कोई खाना नहीं चाहता। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी टिप यहाँ पे है कि आप क्या करें कि जब आपकी सब्जी में नमक या मिर्च ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे आप या तो दही या फिर फ्रेश मलाई, जो भी आपके पास हो, तो दही भी आप खट्टी ना लें, बस फ्रेश दही और या फ्रेश मलाई हो, बस आप इसमें मिक्स कर दें, सब्जी आपका बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। टिप नंबर 4 यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा, जो कि जनरली हर घर की प्रॉब्लम है और हर घर की क्या मान के चलिए कि 99 लोगों की ये दिक्कत आती ही आती है। तो क्या होता है कि कैलेंडर हम सभी के घर में आता है, क्योंकि इसके बगैर तो ना हमारा कोई काम होने वाला है ना ही हमारे समय की शुरुआत होती है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे घर के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जब इसे हम ले आते हैं तो इसका जो टांगने वाला हुक होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। टूटने के बाद फ्रेंड्स हमें समझ में नहीं आता कि इसको हैंग कैसे करें और हमें बहुत दिक्कत भी होती है। और इस तरह से आप कहीं भी अगर इसे रखते हैं तो फिर ढूंढना पड़े, अब दीवार पे टांगना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, इस तरह से ले लेना है कोई वेस्टेज रस्सी, आप रस्सी ले लो, धागा ले लो, आपके पास जो हो वो भी ले सकते हो, या फिर रस्सी की जगह पे आप फ्रेंड्स हैंगर भी ले सकते हो। आपके पास अगर फालतू हैंगर हो तो आप उसे ले लो। और इस तरह से क्या करना है, हमें यहाँ पे रस्सी को इस तरह से नॉट्स लगा लेने हैं बांध करके,
तो अगर आप हैंगर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस उसमें फंसा के टांग दो। लेकिन अगर आप रस्सी ले रहे हो तो इस तरह से आप नॉट्स लगाओ, और इसके बाद से आधा जो हमारा है पन्ना कैलेंडर का उसे इस तरह से हम ऊपर करेंगे और आधा नीचे, और बीच में हम रस्सी को डाल देंगे। और इसके बाद इस तरह से रस्सी को बीचों बीच करते हुए हम इस पर ऊपर से एक और नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप इसे जितना छोटा बड़ा चाहें उस हिसाब से नॉट्स को लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके टांगने के ऊपर कि आप कितना ऊपर नीचे कैलेंडर को रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट करें। और यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छा से हैंग हो जाएगा, और इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसे इजिली कहीं भी टांग सकते हो, जहाँ पे आपको आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसे टांग दिया है, और ये देखिए आराम से इजिली इसे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप इसके पेजेस को पलटना भी चाहें तब भी पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इस तरह से उठाइए आपको जो पेज पलटना हो, और इस तरह से आप वापस से इसमें डाल दीजिए, और डाल करके इस तरह से पीछे से थोड़ा सा टॉस करिए या फिर थोड़ा सा खींच लीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और आराम से ये पलट भी जाएगा। तो ये बहुत खास टिप है फ्रेंड्स, और आप सभी को बहुत काम आने वाली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पांचवा सब्जी को लेकर के ही है। जब कभी भी हम सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक ही सब्जी खा खा के बोरियत होती है, तो कुछ अलग फ्लेवर चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, काजू ले लें 5 से 6, या फिर रोस्टेड मूंगफली, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, और उसको क्रश करें या फिर पूरा पीस दें, यानी कि उसका पाउडर बना दें या फिर क्रश कर दें, और इसे सब्जी में डाल करके आप मिक्स कर दें। इसके बाद आप देखेंगे ना सब्जी का जो स्वाद है और फ्लेवर बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सा हो जाएगा, और सभी खुश होकर इसे खाएंगे। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा फ्रिज को लेकर के, क्योंकि अक्सर हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे घर में ज़्यादातर बिजली की खपत फ्रिज और एसी से ही होती है। तो फ्रिज को आप किस तरह से रखें जैसे कि आपका जो बिजली है कम आए और आपका फ्रिज भी लॉन्ग लाइफ चले, तो इसके लिए मैं आपके साथ 2-3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, तो मैं कैसे कैसे क्या क्या आपको बताती हूँ, बस आप उसे फॉलो करेंगे ना तो आपका जो फ्रिज है ख़राब भी नहीं होगा और बिजली भी कम आएगी। तो यहाँ पर जो भी सामान आप फ्रिज में रखें उसे कोशिश यही करें फ्रेंड्स कि ढक करके रखें। जब आप किसी भी चीज़ को ढक करके रखते हैं तो फ्रिज जो है हमारा सामान को ठंडा करने में कम बिजली लेता है, क्योंकि अगर ढक्कन लगा रहता है तो उससे उसको एक कवर टाइप का मिलता है, और हल्की सी बिजली में भी आपका जो सामान है फ्रेश रहता है। और अगर आप ज़्यादा सामान रखते हो तो ज़्यादा सामान को आप फ्रेंड्स ठंडा करने में फ्रिज की बिजली ज़्यादा ही आती है, तो इस तरह से ये आप ज़रूर ध्यान दें। टिप नंबर 7 हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिज को लेकर के, ये अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रिज में अक्सर खाने पीने की जो सामग्री हम रखते हैं तो भाई फ्रिज है तो रखना ही रखना है, तो इसमें से अलग ही स्मेल आने लगती है जो कि बहुत ही बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरह से वेस्टेज बेकार पेपर ले लें, आप इसकी जगह पर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, और इस तरह से एक पानी में आप इसे डिप करें पेपर को और अच्छे से निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद पेपर को थोड़ा सा खोल लें, और खोलने के बाद इस तरह से आप फ्रिज में कहीं भी इसे रख दीजिए, और 3 से 4 घंटे के बाद आप इसे निकाल करके फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो फ्रिज का स्मेल है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और आपकी जो फ्रिज है काफ़ी फ्रेशनेस फील कराएगी। तो फ्रेंड्स मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फ्रिज में जितना हो सके बस ज़रूरी सामान ही रखें, एक्स्ट्रा सामान को न रखें, ये भी बहुत बिजली की खपत के लिए वो होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सामान रखेंगे तो फ्रिज को कम वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर हमने देखा है कई सारे फ्रिज में बिल्कुल बर्फ़ जम जाता है पहाड़ की तरह। तो जब पहाड़ की तरह बर्फ़ जमेगा तो आपकी बिजली की खपत तो होनी ही होनी है, उसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो आज का मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके फ्रिज में कभी भी बर्फ़ नहीं जमेगी। तो इस तरह से हमने क्या करना है, एक छन्नी ले लेना है, और छन्नी की मदद से हमने यहाँ पे इस फ्रिज के बर्फ़ को न जमाने वाली प्रक्रिया को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने छन्नी में डाल दिया है नमक, और इस तरह से हम चारों साइड में फ्रिज के जो फ्रीजर वाला भाग होता है उसमें नमक का हम छिड़काव कर देंगे, और नमक छिड़कने से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कमाल ही हो जाएगा, इसमें आपकी जो बर्फ़ है वो ज़्यादा नहीं जमेगी, बस वही जमेगी जो आप जमाना चाहेंगे, और इस तरह से आपका जो फ्रिज है वो सही भी रहेगा, लंबे समय तक
खराब भी नहीं होगा और आपकी बिजली की भी बचत होने वाली है, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट और एक टिप मैं आपको बिजली बचत से या फिर आपके फ्रिज की जानकारी के लिए शेयर करना चाहूँगी। अक्सर क्या होता है फ्रिज की, हमारी जो ये फ्रिज की जो रबड़ होती है ये ढीली हो जाती है, तो ढीली वो होने की वजह से भी फ्रिज जो है हमारे खाने को या सामान को ठंडा नहीं कर पाता और एक्स्ट्रा बिजली की खपत होती रहती है। तो इसे आप कैसे चेक करें, मैं ये तरीका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। तो आप इस तरह से एक कोई भी पेपर ले लीजिए, बच्चों के वेस्टेज पेपर जो बुक के होते हैं उसमें से एक पेजेस निकाल लीजिए और इस तरह से आप क्या करें, यहाँ पे फ्रिज को आप थोड़ा सा बंद करें और पेपर को इस तरह से डोर की साइड में लगा दें। तो आप जब डोर में इस तरह से फ्रिज को लगाएंगे तो इसके बाद आप जब गेट को ऑन ऑफ कर देंगे, सॉरी, तो आप बंद करेंगे तो इस तरह से जब आप पेपर खींचेंगे ना तो अगर ये आपका पेपर ईजिली निकल जाएगा, इसका मतलब कि आपका जो रबड़ है वो ढीला है, उसे बदलने की ज़रूरत है। और अगर ये आसानी से नहीं निकल रहा है इस तरह से देखिए, तो इसका मतलब कि आपका जो रबड़ है वो सही है, तो आप उसे चेंज नहीं करें। और इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ्रिज है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये छोटी छोटी टिप है जो कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ना तो आप बहुत सारी सामान को या फिर समय को भी बचा सकते हैं। और इस तरह से नंबर 10 हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स है ये ऑयल को लेकर के। तो यहाँ पे दो फायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कि जब हम कोई भी ऑयल वगैरह लाते हैं तो उसे जब पलटते हैं या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे साइड साइड में ऑयल निकलने लगता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरह से ढक्कन में आप होल बना लें और होल बनाने के बाद इस तरह से आप ले लें कोई भी वेस्टेज पेन और पेन के जो माउथ साइड को है उसको इस तरह से आप ले लीजिए और थोड़ा सा इसे कट कर लीजिए। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से कट करके बनाया हुआ था, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। तो इस तरह से आप इसे कट करें और कट करने के बाद इस तरह से आप ढक्कन में सेट कर दें। ढक्कन में सेट करने के बाद आप इसे क्या करें, अच्छे से बंद कर दें और इस तरह से देखेंगे आप कि कितनी आसानी से बाज़ार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट को हमने फ्री में ही घर पे तैयार कर लिया। और इस तरह से आप आसानी से ऑयल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो ऑयल आपका गिरने वाला है ना ही इधर उधर फैलने वाला है। इससे क्या होगा कि ना हमारा तो काउंटर गंदा होगा, ना ही हमारा स्पेस गंदा होने वाला है, ना बोतल गंदा होने वाला है, तो हमें यहाँ पे सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप को आप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से घर पे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के महंगे प्रोडक्ट को घर पे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।